नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल AR Homes में। तो आज मैं आपके लिए फिर से एक और ज़बरदस्त प्रॉपर्टी लेकर के आ गया हूँ। देखिए इस जिस लोकेशन पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस लोकेशन पे इसके अलावा और भी मकान बने हुए हैं। आप जब भी यहाँ पर आते हैं उनकी भी क्वालिटी देख सकते हैं और इस मकान की भी क्वालिटी देख सकते हैं। आज जो मैं आपको मकान दिखाने जा रहा हूँ उसकी क्वालिटी रियली में बहुत अच्छी बनी हुई है। मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए लेकिन इस प्राइस सेगमेंट के साथ में और 75 वर्ग गज में बना हुआ यह मकान, ऐसा मकान मैं आपको दिखाऊंगा कि बहुत अच्छी फिनिशिंग भी की गई है और बहुत अच्छा माल मटेरियल भी लगा करके दिया गया है। यहाँ पर आप बाहर से इसका फ्रंट एलिवेशन देख सकते हैं और आसपास का पूरा सराउंडिंग एरिया देख सकते हैं। 75 गज में बना हुआ है, 17x40 डायमेंशन है और जो इसका आस्किंग प्राइस है 19.5 लाख रुपये इसका आस्किंग प्राइस है और बिंदाएका चौकी से 500 मीटर के डिस्टेंस पे है। और अब मैं आपको डायरेक्टली लेकर के चलूंगा इस विला के अंदर जो कि 75 वर्ग गज में बना हुआ है। यहाँ पर आपको मिल जाता है बाहर पॉर्च का एरिया, पॉर्च का साइज स्पेसेस है जहाँ पर आप अपनी बाइक इजीली पार्क कर सकते हैं या फिर चाहे तो एक छोटी गाड़ी इजीली आप पार्क कर सकते हैं, छोटी कार इजीली पार्क कर सकते हैं। यहाँ पर आपको मिल जाता है ये कॉरिडोर का एरिया जहाँ पर आप जो अपने आप चाहें तो इधर गमले वगैरह लगा सकते हैं, उस साइड में भी आपको स्पेस मिल जाता है, जो भी अननेसेसरी सामान है यहाँ पर आप रख सकते हैं। और ऊपर के साइड में भी आप देखेंगे तो स्पेस अच्छा है। बाहर से एलिवेशन दिया गया है, बहुत अच्छा एक एलिवेशन दिया गया है। यहाँ पर आपको दिया गया वाटर टैंक प्रोविजन जो कि 6000 लीटर का वाटर टैंक प्रोविजन है। यहाँ पर हमारे पास दो सिप्लेक्स अवेलेबल थे, एक सिप्लेक्स जो है यहाँ पर सोल्ड आउट है, एक हमारे पास बचा हुआ है। स्टेयर्स जो है यहाँ पर बाहर से दी गई है, इन फ्यूचर कभी भी आप चाहें तो ऊपर की साइड में कंस्ट्रक्ट करवा सकते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे स्टेयर्स पे भी तो ग्रेनाइट का, प्रॉपर ग्रेनाइट का यूज़ किया गया है, ऐसा नहीं किसी चीज़ में आपको जो है लापरवाही की गई है। पूरा ग्रेनाइट, ऊपर चौकी भी जो है ग्रेनाइट से आपको लगा करके दी गई है और एंट्रेंस में कुछ इस तरीके का जो है आपको यहाँ पर सीनरी लगा करके दी गई है मार्बल की। अब हम लोग आ गए हैं यहाँ पर इस हॉल के अंदर और हॉल की अगर साइज़ की बात की जाए तो हॉल का साइज़ यहाँ पर आपको मिल जाता है 11x11 का हॉल साइज़। सामने की साइड में आपको मिल जाता है यहाँ पर वॉलपेपर डिज़ाइन, देख रहे हैं काफ़ी प्रीमियम सा वॉलपेपर डिज़ाइन मिल रहा है। और इस साइड में मैं आपको बताऊँ तो इस साइड में आपको मिल जाता है, देखिए फोल्डेबल आपको डोर मिल जाता है, डोर कुछ इस तरीके का है, क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और यहाँ पर प्रीमियम क्वालिटी की आपको सनमाइका लगा करके दी गई है। पूरे ही घर में आपको समझ में आएगा कि इस 75 वर्ग गज में कितने अच्छे तरीके से काम करके आपको दिया गया है। आप पूरा हॉल देख सकते हैं किस तरीके का 11x11 का हॉल आपको मिल रहा है। टाइल्स की अगर बात की जाए तो टाइल्स भी काफ़ी अच्छी यहाँ पर आपको मिल जाती है। हनुमान वाटिका के नाम से ये कॉलोनी है जो कि आज मैं आपको दिखा रहा हूँ। ऊपर की साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पर कोई भी फुल सीलिंग डिज़ाइन नहीं है लेकिन यहाँ पर जो है आपको POP का डिज़ाइन दिया गया है और LED लाइट्स जो है आपको चारों ही कोनों पर लगा करके दी गई है। यहाँ पर मैं आपको लेकर के आ गया हूँ उसके किचन की और किचन के साइज़ की अगर बात की जाए तो 6x8 का साइज़ यहाँ पर किचन का दिया गया है। नीचे की साइड में प्रॉपर ड्रॉर्स वगैरह बना करके दी गई है, ग्रेनाइट का यूज़ किया गया है। यहाँ पर सामने की साइड में यहाँ पर देखेंगे स्विचेस वगैरह प्रॉपर लगा करके दिए गए हैं, ऊपर भी आपको स्पेस मिल जाता है। सामने की साइड में आपको मिल जाता है यहाँ पर विंडो जहाँ से प्रॉपर सनलाइट वेंटिलेशन का आपको ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये आगे हो गया है, आपके बर्तन वगैरह इजीली वॉश कर पाएंगे यहाँ पर और टैब्स वगैरह भी देखेंगे, मिक्सर वगैरह भी देखेंगे, काफ़ी अच्छी कंपनी के यहाँ पर यूज़ करके दिए गए हैं। और बीच में आपको यहाँ पर मिल जाता है ऑप्शन जहाँ पर आपकी चिमनी आप इंस्टॉल कर सकते हैं और आउटर यहाँ बाहर पीछे की साइड से आप दे सकते हैं। तो आपने ये देखी यहाँ पर इसकी किचन। अब मैं आपको दिखाऊंगा इसमें अटैच होते हुए यहाँ इस हॉल के साथ में कॉमन बाथरूम। और बाथरूम को अगर साइज़ की बात की जाए तो यहाँ पर बाथरूम का साइज़ आपको मिल जाता है, लगभग अगर साइज़ की बात करूँ तो 5x7 का साइज़ मिल जाता है। और वेंटिलेशन की अगर ऑप्शन की बात की जाए तो वहाँ से वेंटिलेशन का ऑप्शन आपको दिया गया है। इस साइड में आपका जो है शावर एरिया आ जाता है, ये आपके इंडियन शीट आपको लगा करके दी गई है। इस साइड में आपको जो है वॉश बेसिन बना करके दिया गया है। अब मैं आपको लेकर के चलूंगा इसके बैक साइड में, एक रूम बना हुआ है उसके में, ये 2 BHK है यानी कि 2 बेडरूम वाला जो मैं है आज आपको ये सिप्लेक्स दिखा रहा हूँ, 75 वर्ग गज में बना हुआ है। फ्रंट भी काफ़ी अच्छा दिया गया है, 11x14 का यहाँ पर जो है बेडरूम का साइज़ है, स्पेसेस साइज़ है, मैं आपको हाथ फैला के दिखा दूँ, देखिए आपको प्रॉपर समझ में आ रहा होगा। स्पेसेस साइज़ यहाँ पर आपको दिया गया है। सामने के साइड में आपको मिल जाता है वॉलपेपर, जैसे इसके ऊपर की साइड में LED लाइट आपको लगा करके दी गई है। ऊपर की साइड में देखेंगे तो यहाँ पर सीलिंग फैन आपको मिल रहा है और साथ ही यहाँ पर आपको मिल जाता है POP का वर्क। पूरी वॉल के ऊपर आपको जो है यहाँ पर वॉल ड्रॉर बना करके दी गई है, स्पेसेस वॉल ड्रॉर है, आपका जो भी आप कपड़े वगैरह रखना चाहे बहुत ही ईजिली आप रख सकते हैं। अटैच में यहाँ पर बाथरूम दिया गया है और बाथरूम की अगर साइज़ की बात की जाए तो यहाँ पर भी बाथरूम का साइज़ लगभग 5x6x7 का स्पेस मिल जाता है। इस साइड में आपको मिल जाती है यहाँ पर वेस्टर्न शीट, ऊपर की साइड में आपको प्रॉपर वेंटिलेशन का ऑप्शन दिया गया है। पीछे की साइड में वहाँ पर आप देखेंगे तो स्टोर रूम का आपको जो है, स्टोर रूम कह सकते हैं या फिर आप कह सकते हैं उसको एक वेंटिलेशन का ऑप्शन। और बात की जाए तो 80% लोनेबल प्रॉपर्टी है, ईस्ट फेसिंग का ये मकान है दोस्तों। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर इसका वेंटिलेशन का ऑप्शन, आप इसे वॉशिंग एरिया की तरह यूज़ कर सकते हैं, आप चाहें तो स्टोर रूम की तरह यूज़ कर सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंगली यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये वॉशिंग एरिया की तरह काफ़ी एक अच्छा स्पेस आपको मिल रहा है। ऊपर से प्रॉपर वेंटिलेशन यहाँ से उतरेगा, देख रहे हैं प्रॉपर जाल आपको लगा करके दिया गया है, पानी का टैप यहाँ पर आपको मिल जाता है और यहाँ से आपको मिल जाता है जो कि आपके पानी का एग्जिट हो जाएगा यहाँ से
तो ये आपने देखा इसका फर्स्ट बेडरूम, और अब मैं आपको लेकर के चलूंगा इसके सेकंड बेडरूम की ओर। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, साथ साथ बेल आइकन को दबा दीजिए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए, और फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेगी। हमारे नए चैनल AR डिज़ाइन को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वहाँ पर हम आपको 2D और 3D मैप्स प्रोवाइड कराते हैं, घर बैठे घर ही नहीं घर बैठे नक्शा भी प्रोवाइड कराते हैं। सामने की साइड में देखेंगे तो यहाँ पर आपको 3D वॉलपेपर लगा करके दिया गया है, जस्ट ऊपर की साइड में देखेंगे तो वहाँ पर आपको मिल जाता है यहाँ पर सीलिंग फैन, और आपको जो है POP का पूरा प्रॉपर वर्क करके दिया गया है। सामने की साइड में देखेंगे प्रॉपर विंडो आपको मिल रही है, तो प्रॉपर सनलाइट और वेंटिलेशन यहाँ पर आपको होता रहेगा। और रूम की अगर साइज की बात की जाए तो 9.5x11 का जो है यहाँ पर आपको मिल जाता है रूम का साइज। और बात करूं तो इस मकान के जस्ट पीछे से जो है सॉफ्ट फिट की सेक्टर रोड निकल रही है, जो कि मैं आपको ऊपर से दिखाऊंगा। आ जाइए, अब मैं आपको लेकर के चलूंगा इसके रूफ पर और वहां से दिखाऊंगा कि किस तरीके का ये बना हुआ है। लेकिन अगर चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। देखिए हमारे बहुत सारे व्यूवर्स हमारी वीडियो को देख तो रहे हैं लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। यहाँ पर हम लोग आ गए इसके रूफ की, और यहाँ पर भी आप देखेंगे तो स्पेस अच्छा स्पेस आपको दिया गया है। सर्दियों के समय जब कूलर काम नहीं आता है तो यहाँ पर आप उसे रख सकते हैं। और अब मैं आ गया हूँ उसके रूफ पर, रूफ पर भी आपको प्रॉपर टाइल लगा करके दी गई है, और इसके पीछे की साइड में आप देख रहे हैं ये 100 फीट का सेक्टर रोड निकलेगा यहाँ से, और पीछे की साइड में भी आपको विला वगैरह बने हुए हैं। बात की जाए यहाँ से अगर रेलवे स्टेशन बस स्टैंड की, तो वो जो है लगभग आपको यहाँ से 15 से 16 किलोमीटर के डिस्टेंस पर पड़ जाता है। और बात की जाए यहाँ से अगर वैशाली नगर की, तो 8 से 9 किलोमीटर के डिस्टेंस पर पड़ जाता है। सभी प्रकार की एमिनिटीज़ यहाँ पर आपको बहुत ही नीरस मिल जाती है। और अगर आप इस प्रॉपर्टी को परचेज़ करना चाहते हैं तो आपको नंबर दिए गए बिल्डर के डिस्क्रिप्शन में, या फिर स्क्रीन पर चलते हुए आपको नंबर बिल्डर के आपको मिल जाएंगे, वहाँ जा करके आप उन्हें कॉल कर सकते हैं। और जो है अगर वीडियो में कुछ रह गया तो अधिक जानकारी आप उनसे ले सकते हैं। वीडियो कैसा लगा है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाकर के ज़रूर बताइएगा, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। ईस्ट फेसिंग का ये मकान आपको कैसा लगा है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाकर के ज़रूर बताइएगा, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। प्राइस मैंने इसका आपको बता दिया है, 19.5 लाख रुपये इसका आस्किंग प्राइस है, और मान सम्मान में कुछ ना कुछ जो है बिल्डर के माध्यम से निगोशिएट किया जाएगा, मगर वो ऑन टेबल होगा। आप कॉल करके पूछेंगे इसका फाइनल प्राइस क्या होने वाला है तो ऐसे बिल्डर आपको नहीं बताएंगे, आपको जो है ऑन टेबल ही निगोशिएट किया जाएगा। एक बार प्लीज़ आकर के विजिट कीजिए, विजिट करने के बाद में अगर आपको समझ में आता है तो इस प्रॉपर्टी को आप परचेज कर सकते हैं। अप टू 80% लोनेबल प्रॉपर्टी आज मैंने आपको दिखाई है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, और आज और अभी के लिए इतना ही। फिर से मुलाकात होगी एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।